अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं साहब? उम्मीद है। और जैसे चिड़िया होती छत के ऊपर जाने के लिए, ये सेम ऐसे बना हुआ है जी। अभी हम तकरीबन पहाड़ के आधे हिस्से में, ये है कौकत रास्ते अख और अख के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं साहब? उम्मीद है साहब ठीक होंगे। आज फ्राइडे है और हम ऊपर गाय को छोड़ने आए थे। ये सामने सनी है, देखो जनाब, ये सनी है ऊपर। अभी थोड़ी देर ऊपर हमने रेस्ट किया है क्योंकि रोज़ा बहुत ज़्यादा लग गया था हमें। और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। ये चक्कर है जी, ये कोयले के तोते भी चक्कर हो जी लोगों को। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे जाएंगे। क्या टाइम हो गया? 4:35 हो चुके हैं और हमने तकरीबन पहुंचना है घर 40-45 के अंदर, क्योंकि नमाज है असर हमने नीचे गांव जाके पढ़नी है। अभी पहाड़ के ऊपर है तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाएंगे। यह भी जी पुरानी माइन थी, आज से तकरीबन 5 साल पहले यहाँ पे कोयले की गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा कोयला निकलता था यहाँ पे, 30-40 टन कोयले की निकासी थी। लेकिन ये जैसे ही टाइम बढ़ता गया और यहाँ पे कोयला ख़त्म हो गया है। चलो चलो जी, अभी हम ये यहाँ से नीचे रास्ता ये गुजर रहे, ऊपर हमने गाय वगैरह को छोड़ दिया, ये रास्ता नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया और हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता उतरेंगे क्योंकि थकन हो गई हमें। और व्यू माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ऊपर ऊपर इतना सुकून होता है ना इंसान अगर ऊपर की तरफ आ जाए ना, इधर पहाड़ के ऊपर तो बहुत मजे का मौसम होता है ऊपर। और पुरसकून जगह है, बंदा शहरों में जाए ना तो वहाँ पे ट्रैफिक का शोर होता है, ये वो, बंदा परेशान हो जाता है, गलियाँ ये सड़कें। लेकिन यहाँ पे बंदा अगर आए ना, ये ऐसी पुरसकून जगह है, पुरसकून माहौल है, यहाँ पे मजा आ जाता है। थोड़ा सा और नीचे की तरफ ये रास्ता दिखाओ वाहन को, ये रास्ता पथरीला रास्ता है। और जैसे ही सीढ़ियाँ होती छत के ऊपर जाने के लिए, ये सेम ऐसे बना हुआ है। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी पाँव बंदे का स्लिप हो जाता है तो बंदा सीधा कहाँ पे जाएगा? वो नीचे नहीं है, नीचे खाई, इस खाई में जा गिरेगा नीचे, डेंजरस जोन। ये ऊपर गली है और नीचे ये जितना भी एरिया है ना, ये खाई का एरिया है और ये डेंजरस एरिया हमारे इलाके का, ये हमारे पहाड़ का डेंजरस एरिया है, ठीक है जी। और नीचे ये व्यू दिखाओ जी भाई सबको, ये नीचे हमारा इलाका है 4 पोटी। ये सबस गुम्बद वाला दरबार है और ये इलाका 4 पोटी है। और 4 पोटी की ये मुख्तलिफ ढोके हैं जिसमें ढोक खंडा आ जाता है, ढोक अपरा मोड़ा है, ठीक है, डेरा है, डेरे के बाद खलाड़ा आता है, खलाड़े के बाद ढोक हट्टी, यहाँ पे जामिया मस्जिद है वो आता है। और अच्छा, अभी मैं आपको एक दरख्त के बारे में बताऊंगा। ये दरख्त है नथे का दरख्त है, और जी दरख्त लोगों के पास जाते, ये जो सामने दरख्त है ना, ये सनथे का दरख्त होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सनथा। ये जो झोंपड़ियाँ वगैरह नीचे माल मवेशी के लिए लोग बनाते हैं, या जो गरीब लोग बाज़ औक़ात एक जगह से सफ़र करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और वो झोंपड़ियों वगैरह के लिए ये सनथा यूज़ किया जाता है। और नीचे भी जो माल मवेशियों के लिए झोंपड़ियाँ बनाई जाती हैं उसके लिए भी ये सनथा यूज़ किया जाता है। इसको काट लिया जाता है नीचे से, और जब ये सूखता है और इसको झोंपड़ी के ऊपर ऐसे करके ना इसका छत बनाया जाता है। अच्छा जनाब, ये भी सनथा है लेकिन इसके ऊपर ये फ्लावर देखो यार, कितने प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं, जूम करके दिखाएं यार लोगों को, ये माशाल्लाह कितना प्यारा दरख्त है। और ये इसके ऊपर जो फ्लावर लगे हैं और ज़्यादा प्यारा। चलो और नीचे की तरफ आते हैं। अच्छा, ये नीचे जो आप लोगों को पत्थर वगैरह ये ऐसे लगे हुए नज़र आ रहे हैं जैसे किसी ने प्रेस किए हों, ये तरतीब वाइज जैसे लगे होते हैं। ये जो पत्थर है, ये पत्थर नज़र लोगों को दिखाओ जी, ये जो पत्थर है ये पहले हुआ करती थी ट्रक की सड़क, यहाँ से ट्रक वगैरह ऊपर की तरफ आया करते थे। ये जो ट्रक का रास्ता है ना, ये जो ऊपर जा रहा है अभी पैदल रास्ता है, ये ट्रक का रास्ता था, ठीक है। ये इसलिए पत्थर यहाँ पे फिक्स होके लगे हुए हैं, पुराने वक्तों में पहले तरतीब के साथ
पत्थरों की कटाई की जाती थी, और फिर ये जहाँ पे सड़क वगैरह बनती थी ट्रकों की, उसके नीचे ऐसे तरतीब के साथ पत्थर को लगाया जाता था, फिर उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाली जाती थी ताकि ये जब ट्रक इसके ऊपर से गुजरे स्लिप वगैरह ना हो। ओके करो जी, आपको एक और दरख्त के बारे में बताते हैं। ये दरख्त है, इसको बोलते हैं डड्डा। ये तकरीबन आज से 4-5 साल पहले इसका नामो निशान ही नहीं था हमारे जंगल में, लेकिन ये इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि इस दरख्त की वजह से जो है ना, जो प्लाई का दरख्त था या कुछ और थे, प्लाई का दरख्त, वो ख़त्म होना शुरू हो गया। और ये जो दरख्त है ये बहुत तेज़ी के साथ पूरे जंगलात में फैल रहा है। ये देखें जी, ना इसकी लकड़ किसी काम की होती है, ना ये जलाने के काम लकड़ आती है, लेकिन इसकी रोकथाम नहीं हो रही, ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। और इसका अगर कहीं पे ज़रा सा कोई, जैसे ये पत्थर भी गिरेगा ना तो ऊपर बारिश होगी तो इसके साथ भी ये दरख्त निकलना शुरू हो जाएगा। ओके कर। अच्छा जी, ये दरख्त जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं कऊ का दरख्त। क्या बोलते हैं? ये है कऊ का दरख्त। और ये जो सर्दियों के मौसम में इसको लोग ऐसे काटते हैं जैसे स्वाब का काम हो, और ये भेड़ बकरियों को डाला जाता है क्योंकि प्लाई का लोंग अभी नहीं है, प्लाई सूख जाती है इस मौसम में। और ये कऊ का जो होता है ना पत्थर वगैरह, ये डाले जाते हैं कुतरा करके, टांडों के साथ माल मवेशी को भी डाला जाता है जी। ओके करो। अरे ये जो चीज़ आपको सामने नजर आ रही है इसको कहते हैं अख। और अख के ऊपर, इधर सामने करो जी कैमरा, ये ऊपर देखो मुखियारी बैठी हुई है। आगे करो ना, आगे आओ थोड़ा सा, ये बंदों को दिखाओ। ये शहद की मलका बैठी हुई है, ये माखी है, ठीक है। ये इसके अंदर रस होता है, ये जो बना हुआ है ना ये वाइट कलर का, ये देख सकते हैं, ये माखी की मुखियारी बैठी हुई है। और इसके अंदर ये रस होता है मीठा किस्म का, ठीक है। ये इसके अंदर मीठे किस्म का रस है, और इससे शहद की मक्खियाँ ये रस चूसती हैं और फिर जाके अपना जहाँ पे वो माखी बनाया होता है उधर बैठती हैं, तो वहाँ पे जाके इनका माखी बनता है। इसका ये फ़ायदा है, ये अक होता है, इसका ये फ़ायदा होता है। अच्छा जी, अभी हम तकरीबन पहाड़ के आधे हिस्से में मौजूद हैं, और नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा अभी हमारा इलाका। जूम करके दिखाओ लोगों को जी। ये जी 440 का एरिया है नीचे, और वहाँ से हम नीचे से आए थे ऊपर की तरफ जी। आ जाइए नीचे की तरफ। ये नीचे खाई है, ये खाई लोगों को चेक करें, अगर यहाँ से बंदा गिरे तो वो नीचे भी जाता है, और जरा सा भी आपका पाँव आगे पीछे होगा तो आप नीचे की तरफ गिर जाएंगे, अपना बैलेंस लूज करेंगे तो काम खराब ही हो सकता है। इस वजह से अगर आप ऊपर सफर करने के लिए आते हैं तो एहतियात से चलें, ठीक है जी। बहुत पुरसकून जगह है। ये सामने दिखाओ जी बंदों को, हम अभी सड़क के पास पहुंचने वाले हैं। ये ऊपर सड़क है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर कोयले की माइनें हैं। अभी जहाँ से हम उतर के आए हैं ना, ये सड़क वहाँ पे जा रही है, ये ट्रक का रास्ता। बंदों के जहन में आ रहा होगा सवाल है कि प्लाई का दरख्त कहाँ होता है, तो पहले कहने प्लाई का दरख्त है सामने, आपको शौक रहो जी बंदे, अरे सामने लगे है प्लाई का दरख्त। इसका लोग जो है ना ये बकरियां वगैरह खानियां ने, इस मौसम कऊ लोग इस वजह तो बांधे ने क्योंकि प्लाई का लोग बिल्कुल जड़ जाता है, खत्म हो जाता है, हूँ इन्हों मोल चढ़ेगा, अगर बारिश होगी तो इन्होंने मोल जल्दी चढ़ेगा जी। ये नीचे नज़ारा दिखाओ जी, ये सामने जितना भी एरिया ऊपर की तरफ ये सारा पहाड़ है, और इसमें रंग बिरंगे दरख्त लगे हुए हैं। पलाई है, कऊ है, कऊ के अलावा तुम्मन है, तुम्मन के अलावा और से बहुत से नथे वगैरह, हर किस्म का दरख्त इस एरिया में पाया जाता है। ये बहुत घना जंगल है, लेकिन ये लोगों ने काट काट के ना इसको घना नहीं, इसको बिल्कुल पतला कर दिया। ओके अच्छा, अभी हम तकरीबन घर के पास पहुँच आए हैं, और ये सामने लकड़ियाँ फैदे की पड़ी हुई हैं, ये भी किसी ट्रक वगैरह ने वाले ने उतारी हैं, ये ऊपर माइनों वगैरह पे लेके जाते हैं लोग, तो इतनी साड़ी होती है। वीडियो ख़त्म। अगर मेरी वीडियो, मैं तुम्हें पूरे जंगलात की इन्फॉर्मेशन देती है दरख्तों के बारे में, अगर मेरी ये तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।
मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक सारे नु अपने दरबार में रखे, तो मेरे वास्ते खुसूसी दुआ कराया करो कि अल्लाह पाक मैनू भी कामयाब करे, तो मैं जरा काम करा उस अल्लाह पाक मैनू कामयाबी देवे। आमीन।